वर्तमान में उत्तर भारत में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। हवाओं का रुख भी बार बार बदल रहा है। इस वजह से राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी दो दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने की संभावना है, उसके बाद न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट होने के भी आसार है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मध्य प्रदेश में 23 से 24 नवंबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। उसके प्रभाव से राजधानी सहित प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल भी छा सकते हैं। नवंबर के अंत में अच्छी ठंड पड़ने की भी उम्मीद की जा रही है। ठंड तो अभी अपना टेम्परेचर वही है, लगभग अपने भोपाल की बात करें तो 16 चल रहा है, 3-4 दिनों से लगातार 16 ही चला आ रहा है और अभी भी मेरे ख्याल से 15-16 ही जैसे 2-3 दिन बने रहने की संभावना है। और मैक्सिमम की बात करें तो वही 30 और 32 के बीच में ही बने रहने की संभावना है। आगे यह जो अभी अपना हो सकता है 26-27 में थोड़ा बहुत पानी गिर जाए मध्य प्रदेश में, खासतौर से वेस्ट एमपी में, उसकी वजह से उसके बाद फिर टेम्परेचर कम होने की संभावना है। अगर अपन ज़्यादा ही ठंड की बात करें तो अपन मान के चलो कि शायद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अपने 25-26 के बाद जो निकल जाएगा, पास हो जाएगा, उसके बाद फिर हो सकता है टेम्परेचर गिरे। और अगर ऊपर में बर्फबारी होती है, मतलब पंजाब के ऊपर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, तो फिर 10 के नीचे जाएगा, नहीं तो ऐसे 10 के ऊपर और 15 के बीच में ही टेम्परेचर चलने की संभावना है।